डोंट ब्रीथ मूवी की शुरुआत में हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम रॉकी, मनी और एलेक्स होता है। ये तीनों मिलकर एक घर के अंदर चोरी कर रहे होते हैं, फिर ये घर के सारे जरूरी सामान चुरा लेते हैं। यहाँ एलेक्स के पास इस घर की चाबी इसीलिए होती है क्योंकि उसके पिता इस घर के सिक्योरिटी गार्ड थे। अब ये तीनों घर वापस आ जाते हैं जहाँ एलेक्स उस घर की चाबी को अपने पिता के रूम में रख देता है। दूसरी तरफ मनी उन चोरी किए गए सामान को बेचने जाता है जहाँ उसे उन सामानों के बदले में बहुत कम पैसे मिलते हैं। इसके बाद ये तीनों दोस्त फिर से मिलते हैं, तभी मनी उन दोनों को अपने फोन पर एक घर की फोटो दिखाता है। मनी उन्हें बताता है कि इस घर में अकेला एक ही बूढ़ा आदमी रहता है और उसके पास $3,00,000 हैं, और अगर ये हमें मिल गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ एलेक्स उसकी बात से सहमत नहीं था। वो कहता है कि अगर हमने इतने पैसों को चुराया तो पुलिस वहाँ जरूर छानबीन करेगी जिससे हम फंस सकते हैं। खैर, इसके बाद एलेक्स घर पर आता है तभी उसके पास रॉकी का मैसेज आता है। वो कहती है कि मेरी एक छोटी बहन है और मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। दरअसल रॉकी भी यही चाहती थी कि एलेक्स चोरी करने के लिए मान जाए, इसीलिए अब एलेक्स न चाहते हुए भी उस बूढ़े आदमी के घर में चोरी करने के लिए मान जाता है। अगले दिन ये सभी उस घर के पास पहुँचते हैं जहाँ ये पहले उस घर पर अच्छे से नजर रखते हैं। तभी इन्हें वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि ब्लाइंड होता है। साथ ही इस घर के बाहर एक ब्लैक डॉग भी होता है जो कि काफी डेंजरस था। अब ये लोग सबसे पहले उस डॉग को बेहोश करते हैं और फिर वहाँ लगे हुए अलार्म को बंद कर देते हैं। इसके बाद एलेक्स मेन गेट पर डोर को ओपन करने जाता है लेकिन उसमें कई प्रकार के लॉक लगे होते हैं जिसे देखकर ये काफी हैरान हो जाते हैं। तभी रॉकी को एक आइडिया आता है और वो विंडो का ग्लास तोड़कर अंदर चली जाती है, जिसके बाद एक एक करके सभी घर के अंदर चले जाते हैं। फिर मनी उस बूढ़े आदमी के पास जाता है ताकि वो उसे बेहोश कर सके, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उठ जाता है पर वो देख नहीं सकता था, जिसका फायदा उठाकर मनी वहाँ पर बेहोशी वाला गैस छोड़ देता है। फिर ये तीनों एक दरवाजे के पास जाते हैं जिसमें एक लॉक लगा होता है, जिसे देखकर ये सोचते हैं कि शायद वो $3,00,000 इसी के पीछे होगा। फिर मनी उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक काफी ज्यादा मजबूत होता है जिसे वो तोड़ नहीं पाता, इसलिए वो अपना गन बाहर निकालता है। तभी एलेक्स मनी को यहाँ गन लाने के लिए डांटता है और उससे गन चलाने के लिए मना करता है, लेकिन मनी उसकी बात नहीं मानता और अपने गन से उस लॉक को तोड़ देता है। ये देखकर एलेक्स काफी गुस्सा होता है और यहाँ से चला जाता है। इसी बीच वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है क्योंकि उस पर उस गैस का कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए वो गोली की आवाज सुनकर यहाँ आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी मनी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। इस पर मनी कहता है कि वो यहाँ गलती से आ गया है। इसके बाद वो आदमी मनी के पास आने लगता है। ये देखकर मनी उसके साइड में एक गोली चलाता है ताकि वो डर जाए, लेकिन वो डरता नहीं और आगे बढ़ने लगता है। और तभी वो बूढ़ा उसकी गन उसी पर तान देता है क्योंकि वो काफी ताकतवर भी था। फिर वो बूढ़ा मनी से पूछता है कि तुम्हारे साथ यहाँ कौन कौन आया है। मनी कहता है कि वो यहाँ अकेला ही आया है। ये सुनकर वो उसका गला छोड़ देता है, जिससे मनी को लगता है कि उस बूढ़े ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन तभी वो बूढ़ा मनी को शूट करके मार देता है। रॉकी ये सब देखकर काफी डर जाती है पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उधर एलेक्स विंडो से बाहर जाने वाला था पर तभी गोली की आवाज सुनकर वो रुक जाता है और चेक करने अंदर जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसके सामने से आ रहा होता है, जिसे देख एलेक्स दीवाल के साइड छिप जाता है और वो बूढ़ा सीधे आगे की तरफ चला जाता है। आगे जाने पर वो बूढ़ा आदमी उस डोर को अच्छे से लॉक कर देता है, लेकिन इसी बीच उसके पैर में एक कांच धस जाता है जिससे वो समझ जाता है कि मनी कांच तोड़कर अंदर आया था, इसीलिए वो कील की मदद से विंडो को एकदम से क्लोज कर देता है। तभी एलेक्स को रॉकी का मैसेज आता है कि उस ओल्ड मैन ने मनी को मार दिया है। ये सुनकर एलेक्स एकदम से शॉक्ड हो जाता है। एलेक्स रॉकी से पूछता है कि वो इस घर में किस जगह पर है। इस पर रॉकी लिखती है कि वो नीचे बेसमेंट के क्लोजेट में है। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रॉकी छिपी हुई थी। वो वहां पर एक बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर कुछ चेक करता है। ये सब कुछ रॉकी भी देख लेती है। फिर उस ओल्ड मैन के जाने के बाद एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद रॉकी उस बॉक्स को खोलकर उसमें से सारे पैसे निकाल लेती है, जिसमें इन्हें केवल $1,00,000 ही मिलते हैं। इसके बाद रॉकी उस पैसे को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस दरवाजे से निकल पाती तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन आ जाता है जो यहाँ मनी की लाश को उठाने के लिए आया था। इसी बीच उसे एलेक्स के पैर की आहट सुनाई पड़ती है, जिससे वो अलर्ट होकर अपने गन को चारों तरफ घुमाने लगता है क्योंकि वो बूढ़ा ब्लाइंड था। ये देखकर एलेक्स और रॉकी बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं, जिससे उस बूढ़े आदमी को लगता है कि ये शायद उसका कोई बहम है।
इसलिए वो मनी की डेड बॉडी को लेकर अंदर की ओर जाने लगता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों डोर ओपन करके बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहीं ओल्ड मैन जब उस डोर के पास आता है तो उसे वहां दो जोड़ी जूते दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि यहां उसके घर में कोई और भी मौजूद है। इसके बाद वो बूढ़ा पैसे रखे हुए बॉक्स को चेक करता है, जिसके अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिससे वो बूढ़ा काफी गुस्सा हो जाता है। उधर रॉकी और एलेक्स को बेसमेंट में एक लेडी दिखाई देती है, जिसे उस ओल्ड मैन ने कैदी बनाकर रखा था। फिर रॉकी उस लेडी के पास जाती है, जो रॉकी को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा देती है। फिर जब रॉकी उस न्यूज़पेपर के कटिंग को पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसने उस ओल्ड मैन की बेटी को कार एक्सीडेंट में मार दिया था, और अब उस ओल्ड मैन ने इसे यहाँ कैदी बनाकर रखा हुआ है। इसके बाद ये दोनों उस लेडी को छुड़ा देते हैं और उसे अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये उस दरवाजे को खोलते हैं तो इनके सामने वही ओल्ड मैन होता है, जिसके हाथ में गन भी था, और तभी वो इन पर गोलियां चलाने लगता है। पर इसमें एलेक्स बच जाता है, लेकिन एक गोली उस लेडी को जा लगती है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। फिर जब ओल्ड मैन को पता चलता है कि उसने उस लड़की को मार दिया है जो यहाँ पर बधी हुई थी, तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है। इससे हमें पता चलता है कि शायद वो बूढ़ा इस लेडी को और भी दर्दनाक मौत देना चाहता था। अब वो ओल्ड मैन यहाँ का मेन स्विच ऑफ कर देता है, जिससे इस पूरे घर में अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स और रॉकी को भी वहाँ पर कुछ नजर नहीं आता। लेकिन इस बूढ़े को इस पूरे घर का अंदाजा होता है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी रॉकी के सामने वो बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है। लेकिन इसी बीच एलेक्स रॉकी को आवाज लगाता है, जिसे सुनकर वो ओल्ड मैन उसी तरफ गोली चला देता है। अब ओल्ड मैन एलेक्स की तरफ जाने लगता है, और जब एलेक्स एक दीवार के किनारे छिपा होता है तभी पीछे से ओल्ड मैन उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, पर उस गन में गोली खत्म होती है, जिसकी वजह से एलेक्स की जान बच जाती है। अब किसी तरह रॉकी और एलेक्स बेसमेंट से ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं, जहां उन्हें अपने सामने वही डॉग दिखाई देता है। उसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं, इसलिए ये एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। पर तभी उस रूम में वो ओल्ड मैन भी आ जाता है, जो वहां से अपनी गन निकाल लेता है। ये दोनों अब इस कमरे में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। तभी एलेक्स रॉकी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास रिमोट है। इस पर रॉकी उसे रिमोट देती है। दरअसल ये रिमोट इस घर में लगे सिक्योरिटी सिस्टम का होता है, जिसका बटन दबाने पर यहाँ पुलिस आ सकती है। रॉकी एलेक्स को उस रिमोट का बटन दबाने से मना करती है, जिससे ये पैसों को नहीं चुरा पाएंगे। इसी बीच वो ब्लाइंड ओल्ड मैन दरवाजे पर गोली चलाता है। ये सुनकर एलेक्स डोर को पकड़ लेता है और रॉकी उसी रूम के एक बड़े से टनल के रास्ते बाहर आने लगती है। तभी वो बूढ़ा आदमी रूम के अंदर आ जाता है और उसका डॉग एलेक्स पर हमला करने लगता है, लेकिन किसी तरह एलेक्स खिड़की से कूदकर नीचे आ जाता है। अब एलेक्स एक कांच के बने हुए छत पर गिरता है, जिसके क्रैक होने की आवाज सुनकर ओल्ड मैन को अंदाजा हो जाता है कि एलेक्स कहाँ है। वो उस पर गोली चलाता है, जिससे एलेक्स नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी भी नीचे जाता है, जो एलेक्स पर एक बड़े से हथियार से हमला करता है और उसे मार देता है। उधर रॉकी उस टनल से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे वो डॉग आ जाता है, जिसे देखकर वो नीचे कूद जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर रॉकी को होश आने पर वो खुद को ओल्ड मैन के सामने पाती है, जो उसे बुरी तरह से मारने लगता है, जिससे रॉकी वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे दोबारा से होश आता है तो वो खुद को उसी जगह पर बंधी हुई पाती है, जहां उस ओल्ड मैन ने अपने बेटी के कातिल वाली लड़की को रखा था। अब वो ओल्ड मैन रॉकी से कहता है कि वो अपनी बेटी को बहुत मिस करता है, लेकिन उस लड़की ने एक एक्सीडेंट में उसे मार दिया, जिसकी वजह से उसने उसे यहाँ बंदी बनाकर रखा था। दरअसल वो बूढ़ा उस लेडी से एक और बच्चा चाहता था, ताकि उसे एक और बच्चा हो जाए, लेकिन इनकी वजह से उसने उस लेडी को शूट कर दिया। तभी वो बूढ़ा रॉकी से कहता है कि तुम मुझे एक और बच्चा पैदा करके दोगी और तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर रॉकी काफी हैरान होती है। इधर हम देखते हैं कि एलेक्स अभी जिंदा है। दरअसल जब उस बूढ़े ने एलेक्स पर हथियार से हमला किया, तब एलेक्स ने अपने ऊपर मनी की डेड बॉडी को रख दिया था, जिससे वो हथियार मनी के डेड बॉडी में धस गई थी। इसके बाद एलेक्स उस ओल्ड मैन के ऊपर हथौड़े से वार करता है और उसे एक रस्सी से बांध देता है। फिर वो रॉकी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब ये दोनों यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ वो बूढ़ा आ जाता है, जो एलेक्स को शूट करके मार देता है। लेकिन रॉकी किसी तरह उस दरवाजे को
को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर रॉकी वहां से भागने लगती है और साथ ही उसके पास वो सभी पैसे भी थे। लेकिन तभी उस ओल्ड मैन का डॉग रॉकी का पीछा करने लगता है, लेकिन रॉकी किसी तरह उस डॉग को गाड़ी के अंदर बंद कर देती है। तभी वहां पर वो बूढ़ा आ जाता है जो रॉकी को फिर से किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। इसी बीच रॉकी को एक आइडिया आता है और वो घर के सभी अलार्म ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन कुछ समझ नहीं पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर रॉकी उसे मारने लगती है और वहां से पैसे लेकर भाग जाती है। अब रॉकी के जाने के बाद यहां पुलिस भी आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी अपने बहन के साथ एक रेलवे स्टेशन पर होती है, क्योंकि उसका यही सपना था कि वो अपनी छोटी बहन को लेकर हमेशा के लिए कैलिफोर्निया चली जाएगी। इसी बीच रॉकी टीवी पर न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि उस ब्लाइंड ओल्ड मैन के घर में दो चोर आए थे जिन्होंने उस बूढ़े को काफी जख्मी कर दिया है, लेकिन हाथापाई के दौरान वो दोनों चोर मारे गए। इसके बाद जब उस बूढ़े को होश आता है तो वो पुलिस को बताता है कि उसने उन चोरों को मार दिया है और उन चोरों ने उसका कोई भी सामान नहीं चुराया है। यहाँ वो बूढ़ा रॉकी के बारे में इसीलिए नहीं बताता क्योंकि अगर वो पुलिस से रॉकी के बारे में बताता तो रॉकी पकड़ी जाती, जो उस बूढ़े के करतूत के बारे में भी सब कुछ पुलिस से बता देती और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।